सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। द स्पीड स्टडी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताएंगे। हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जा करके वह वीडियो जरूर देखें। तो आज हम आप लोगों को आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताएंगे। आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल को आप कह सकते हो ऐतिहासिक काल के पूर्व का समय। तो ऐतिहासिक काल के पहले का जो समय था उसको आप कह सकते हो आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहासकारों ने जो उसका टाइमिंग जो माना है वो लगभग माना है लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के आप कह सकते हो 2500 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के लगभग 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो आद्य ऐतिहासिक काल का समय था। इतिहासकारों ने इसको दो खंडों में बांटा है, आप कह सकते हो कि दो खंड। पहला खंड जो आ जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हम जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरा समय जो माना जाता है वो वैदिक सभ्यता कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में प्रचलित था। हमारी दुनिया के बहुत सारी सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता थी, इराक की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, लेकिन अगर आज हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में किसी को जानते हैं तो हमारे भारत की सभ्यता जो दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है, उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में फैला जो एक सभ्यता था उसको आप कह सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता तो उसको कहा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले हम इसको जानते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के जो दो खंड थे। एक था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहासकारों ने इसका जो टाइमिंग बताया जाता है वो माना जाता है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1500 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। नेक्स्ट जो अगला इसका जो खंड आ जाता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को आप कह सकते हो भारतीय संस्कृति का कालखंड। भारतीय सभ्यता जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुई, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य हमारे भारत में रहने वाले एक मूल निवासी के रूप में माने जाते हैं, जो मध्य एशिया से आने वाले भी निवासी माने जाते हैं। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य हमारे मध्य एशिया से आकर के यहाँ पे हमारे भारत के अंतर्गत रहने वाले मूल रूप से निवासी माने जाते थे। तो आप यहाँ कह सकते हैं इसको वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के रूप में भी आप कह सकते हैं। वैदिक सभ्यता को भारतीय संस्कृति का एक कालखंड कहा जाता है। चाहे हमारे वेद हो, पुराण हो, काव्य हो, महाकाव्य हो, उपनिषद हो, इन सभी चीजों का जो सबसे ज्यादा प्रचलन हुआ वो हमारे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हुआ। इतिहासकारों ने जो इसका जो इतिहासकार जो अपने 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 अकॉर्डिंग जो अपने इसका टाइमिंग बताया जाता है वो लगभग माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो वैदिक सभ्यता का समय था। तो 1500 से लेकर के लगभग 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो वैदिक सभ्यता, जिसको आप कह सकते हो भारतीय संस्कृति का कालखंड। अब यहाँ पे इसको इतिहासकारों ने दो चरणों में बांटा है। पहला आ जाता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा आ जाता है उत्तर वैदिक काल, जिसको आप कह सकते हो मॉडर्न वैदिक काल या आधुनिक वैदिक काल के रूप में भी माना जाता है। तो आप कह सकते हो ऋग्वैदिक काल वैदिक काल का पहला चरण, उत्तर वैदिक काल वैदिक काल का आप दूसरा चरण के रूप में भी इसको आप कह सकते हो। ऋग्वैदिक काल का जो टाइमिंग था वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो ऋग्वैदिक काल का समय था। इसका जो दूसरा चरण और अंतिम चरण जो माना जाता है वो आप कह सकते हो उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो टाइमिंग था वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो उत्तर वैदिक काल का समय था। लेकिन हम जो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रहने वाले जो मानव थे, यहाँ पे रहने वाले मानव को लिपियों का ज्ञान हो चुका था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे भारत के अंतर्गत लिपियाँ थी वो चित्रात्मक लिपियाँ थी। आप कह सकते हो कि यहाँ पे रहने वाले जो मानव थे वो चित्रात्मक लिपियों का प्रयोग किया करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा लिपियाँ प्रचलित थी वो चित्रात्मक लिपियाँ प्रचलित थी। और यहाँ पे 400 चिन्ह पाए जाते हैं। कितने चिन्ह? लगभग 400 चिन्ह पाए जाते हैं। लेकिन आज तक इतिहासकारों ने हमारे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो भी तमाम सारी लिपियाँ प्रचलित थी उसको आज तक इतिहासकारों के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। इसके पहले हमारा जो प्रागैतिहासिक काल था,
प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत वहाँ पे रहने वाले लोगों को एक भी प्रकार की लिपियाँ नहीं प्रचलित थी। आप कह सकते हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लिपियों का ज्ञान नहीं था। और यहाँ पे लेकिन जैसे जैसे प्रागैतिहासिक काल खत्म होता है, आद ऐतिहासिक काल शुरू होता है, आधुनिक चिंतनशील मानव का जन्म हो जाता है, उसी समय हमारे भारत में लिपियों का भी प्रचलन शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जो हमारी लिपियाँ थी वो चित्रात्मक लिपियाँ थी और लगभग 400 चिन्ह पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे जो लिपियाँ प्रचलित थी आज तक इतिहासकारों के द्वारा उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो आज हम आपको आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा दुनिया की मिस्र की सभ्यता भी थी, इराक की सभ्यता भी थी, चीन की सभ्यता भी थी, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा अगर आज हमारी कोई सभ्यता पूछा जाता है वो था हमारे भारत की सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया में स्थित, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था वो सिंधु घाटी सभ्यता था, जिसको इंडस कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी के किनारे बसे जो एक हमारी सभ्यता थी उसको सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाता है सिंधु सभ्यता के अलावा पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में, तो हम पूरी दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में मेसोपोटामिया की सभ्यता को जानते हैं। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है, जो हमारे एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। तो आइए हम मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं। बताओ में से एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो समय माना जाता है वो लगभग 6500 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 3100 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो मेसोपोटामिया या इराक की सभ्यता भी आप कह सकते हैं। मेसोपोटामिया फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित आधुनिक इराक को प्राचीन में मेसोपोटामिया के नाम से भी जाना जाता था। मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसमें काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। तो मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में एक है, जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो तमाम सारी वहाँ पे जो कल्चर थे उसमें काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। तो आप कह सकते हो मेसो का शाब्दिक अर्थ होता है, मेसो का शाब्दिक अर्थ होता है मध्य, और पोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है नदियां। तो आप कह सकते हो मेसो का मतलब मध्य और पोटामिया का मतलब आप कह सकते हो नदियां। तो दो नदियों के बीच का जो एक क्षेत्र था, जो वहां की कल्चर थी, उसको मेसोपोटामिया के सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब वो दो नदियां थी कौन? इराक में दो नदियां बड़ी प्रचलित थी, एक था दजला और दूसरा था फरात। तो दजला और फरात ये दो इराक की प्रसिद्ध नदियां थी। दजला और फरात नदियों के बीच का जो एक क्षेत्र था वहां की जो सभ्यता थी वह मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो पूरी दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। और इसका जो समय बताया जाता है वो लगभग 6500 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 3100 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता का टाइमिंग बताया जाता है। यहाँ पे बात आती है पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता हो गया मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत का सबसे बड़ा सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता, जो पूरी दुनिया के सबसे बड़ा सभ्यता में एक है। यहाँ पे मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में जो काफ़ी समानताएं थी वो थी नगरीय सभ्यता। तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो अर्बन सोसाइटी के लोग थे। आप कह सकते हो नगरीय सभ्यता में काफ़ी प्रचलित थी। यहाँ पे रहने वाले जो लोग हुआ करते थे कच्चे मकान भी बनाते थे, पक्के मकान भी बनाते थे, पक्के ईंटों का भी प्रयोग करते थे, लिपियों का भी प्रयोग किया करते थे। तो आप कह सकते हो कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत भी यहाँ पे रहने वाले लोगों को लिपियों का ज्ञान था। और जो वो लिपियाँ थी वो सुमेरियन लिपि थी, आप कह सकते हो सुमेरिया लिपि, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले जैसे निवासी थे उनको सुमेरियन कहा जाता था और वो सुमेरिया लिपि थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा प्रचलन थी लिपियाँ वो सिंधु लिपियाँ थी। तो आप कह सकते हो सिंधु लिपियाँ हमारे भारत की लिपि थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। और यहाँ पे रहने वाले मेसोपोटामिया के अंतर्गत जो यहाँ की सभ्यता थी वहाँ पे जो लिपियाँ प्रचलित थी वो थी सुमेरिया लिपि, यह सुमेरियन लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो सुमेरियन लिपि मेसोपोटामिया की लिपि थी, सिंधु लिपि हमारे भारत के अंतर्गत जो हमारी कल्चर थी उसके अंतर्गत सिंधु लिपि प्रचलित थी। सिंधु घाटी जो की लिपियाँ थी वो चित्रात्मक शैली थी, चित्रात्मक तरीके से माना जाता था। इसका जो चिन्ह थे वो लगभग इतिहासकारों के द्वारा लगभग 400 चिन्ह प्राप्त होते हैं, 400 चिन्ह प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे जो सुमेरियन लिपि थी वो कील नुमा, आप कह सकते हो कील नुमा जो होता है नुकीली टाइप का
लिपियां पाई जाती थी इतिहासकारों के द्वारा। आज तक उसे नहीं पढ़ा जा सका है, ना सिंधु लिपि को ना सुमेरियन लिपि को। और यहाँ पे सुमेरियन लिपि में जो सबसे ज्यादा लिपियां थी वो लगभग 900 चिन्ह प्राप्त होते हैं, 900। तो 900 चिन्ह यहाँ पे सुमेरियन लिपि के अंतर्गत पाई जाती हैं, जो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत प्रचलित था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो लिपि प्रचलित थी वो सिंधु लिपि थी, जिसमें 400 चिन्ह पाए जाते हैं। लेकिन आज तक का सबसे बड़ा अपवाद इतिहासकारों के द्वारा आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो आइए हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता है, जो आज कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम प्रांत में विस्तृत फैला हुआ क्षेत्र माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हमने अभी आपको जो टाइमिंग बताया था वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1500 ईसा पूर्व तक का जो समय था, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सभ्यता माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत व्यापार भी होते थे, जो हमारे बगल एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही इराक की सभ्यता, जिसको आप कह सकते हो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, उसी के जस्ट बगल अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे स्थित थी, इन सब चीजों के तो ये सभ्यता थी। एडिट हो जाएगा ना, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत माना जाता है, इतिहासकारों ने इसके कई नाम दिए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आप कह सकते हो त्रिभुजाकार सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को त्रिभुजाकार सभ्यता के रूप में भी माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को पांचयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता को त्रिभुजाकार सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को त्रिभुजाकार सभ्यता क्योंकि इसका जो क्षेत्र था उत्तर पश्चिम भारत की ओर स्थित था और वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार का अब मैं आपको आकार बताता हूं, इसका मैप बताता हूं। यहां पे आप कह सकते हो अफगानिस्तान का क्षेत्र, यहां पे पाक का क्षेत्र, पाकिस्तान का क्षेत्र, और ये हमारे भारत का क्षेत्र। आज ये तीन भागों में बट गया है, नहीं तो पहले अखंड भारत था। अखंड भारत के अंतर्गत यहां पे पूरा तीनों क्षेत्र आ जाते थे। तो ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो विस्तृत था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको इंडस कल्चर, कांस युगीन सभ्यता या त्रिभुजाकार, क्योंकि यह त्रिभुज आकृति में क्षेत्रफल में फैला हुआ था, इस वजह से इसको त्रिभुजाकार सभ्यता के रूप में भी माना जाता था। यह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत था। कुछ इतिहासकारों के द्वारा इसको 15 लाख भी कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों के द्वारा 12 लाख भी, और कुछ इतिहासकारों के द्वारा इसको 12.5 लाख भी कहा जाता है। लेकिन जो अप्रॉक्सीमेट इसका जो लगभग अनुमान माना गया है इसका क्षेत्रफल का, वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल माना गया है, जो त्रिभुजाकार सभ्यता के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि हमारे ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी। उत्तर से दक्षिण की जो क्षेत्रफल था वो लगभग 1400 किलोमीटर का क्षेत्रफल था, और पश्चिम से पूर्व का जो क्षेत्रफल था वो लगभग 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। उत्तर से दक्षिण का क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा, लंबाई पूछा जाएगा, तो आप कह सकते हो 1400 किलोमीटर में फैला हुआ था, और अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा जाता है तो लगभग 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। तो ये त्रिभुजाकार सभ्यता के रूप में भी प्रचलित था, क्योंकि अभी हमने आपको बताया ये त्रिभुजाकार आकृति के रूप में। वर्तमान समय में यह 3 देशों में फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, और भारत में भी कुछ हिस्से आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा था, सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा था, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, तथा वह वर्तमान समय में किस देश में स्थित है, और वह किस नदी के किनारे स्थित है। काफी बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो आपको हम वो भी बताते हैं मैप के द्वारा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी क्षेत्र था, आप ये मैप, ये पूर्व का दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर का दिशा, और ये दक्षिण का दिशा।
अगर आपसे कुछ भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप मैप के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र, जिस हिसाब से हमारे भारत के अंतर्गत सबसे पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के रूप में पूछा जाता है, उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के बारे में भी पूछा जाता है। तो सबसे उत्तरी क्षेत्र जो था हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत वो कश्मीर प्रांत के अंतर्गत आता था। तो आप कह सकते हो यहाँ का जो सबसे उत्तरी क्षेत्र था वो था मांडा। तो मांडा आप कह सकते हो कि उत्तरी क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था और ये चिनाव नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा जम्मू कश्मीर के में स्थित, जम्मू कश्मीर प्रांत में स्थित चिनाव नदी के किनारे स्थित था, जो सबसे उत्तरी क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र जो माना जाता था वो माना जाता था दैमाबाद। दैमाबाद वर्तमान समय में महाराष्ट्र में स्थित है। आप कह सकते हो यहाँ पे इतिहासकार अपने अपने मत को प्रकट करते हैं क्योंकि यहाँ पे कई सारी नदियाँ थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पे प्रवरा नदी भी थी और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पे गोदावरी नदी भी स्थित है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो दोनों नदियाँ आप जानकारी में रखिए, जो भी एग्जाम में आता है आप उसको बताइए। तो दैमाबाद सबसे दक्षिणतम क्षेत्र माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो वर्तमान समय में महाराष्ट्र में स्थित है। ये प्रवरा नदी और गोदावरी नदी में आप दोनों जानकारी में रखिए, अगर कोई भी आता है तो आप उसको एग्जाम में बताइए। पूर्व का क्षेत्र जो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित था, यहाँ पे जो क्षेत्र आता था वो आता था आलमगीरपुर। तो आप कह सकते हो कि पूर्व का क्षेत्र आलमगीरपुर बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। यह क्षेत्र आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश स्टेट के अंतर्गत आ जाता है, कह सकते हो उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे हिंडन नदी माना जाता है। अगर पूछा जाता है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित था, तो हिंडन नदी जो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आ जाता है, हिंडन नदी। अब बचा पश्चिमी प्रांत। पश्चिमी प्रांत के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा फेमस या वर्तमान समय में अफगानिस्तान के अंतर्गत आ जाता है, जिसको आप कह सकते हो बलूचिस्तान के अंतर्गत। तो ये सबसे पश्चिमी क्षेत्र जिसको सुतकांगे डोर के नाम से भी जाना जाता है, सुतकांगे डोर। तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र सुतकांगे डोर था, जो आप कह सकते हो बलूचिस्तान के अंतर्गत आ जाता है। बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के अंतर्गत यहां पे जो सबसे ज्यादा नदी फेमस थी वो थी दास्क नदी। तो आप कह सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रचलन शुरू हुआ वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1500 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सभ्यता के रूप में माना जाता है, जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ था। त्रिभुजाकार सभ्यता के रूप में भी इसको माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी माना जाता है। वर्तमान समय में यह 3 देशों में फैला हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। और यहाँ पे रहने वाली जो क्षेत्र पूछे जाते हैं, सबसे उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, ये हो गया आपके मैप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप कह सकते हो उत्तरी में मांडा है, जो जम्मू कश्मीर के पास है, चिनाव नदी के किनारे स्थित है। पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में आ जाता है, प्रवरा नदी और आप कह सकते हो गोदावरी नदी भी यहाँ पे माना जाता है। और पूर्व में पश्चिम में आ जाता है सुतकांगे डोर, जो बलूचिस्तान में स्थित है और ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो ये थे आपके सिंधु घाटी नदी के जो भी क्षेत्र थे। और इसी के अंतर्गत हमारी सिंधु घाटी नदी के, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़, कालीबंगा, सुतकांगे डोर, बहुत सारे ऐसे प्रचलित क्षेत्र थे। लेकिन अब इसके बारे में जो इतिहासकार अपनी जानकारियां देते हैं, यहाँ पे लोगों के मन में विचार आता है कि सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको बताया किसने था। तो आइए हम बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो बहुत ज्यादा प्रचलित थे। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़, कालीबंगा, सुतकांगे डोर, दैमाबाद, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे। लेकिन यहाँ पे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको बताया किसने सबसे पहले। सिंधु घाटी प्रचलन, इसकी खोज के बारे में शुरुआत कब हुआ, हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में। तो आइए हम इन सब के बारे में हम आपको बताते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहली बार अगर किसी इतिहासकार ने घोषणा किया था तो वो थे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने 1824 ईस्वी में, 1824 में जॉन मार्शल ने
पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में घोषणा किया था कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता भी कोई अपना सभ्यता था, और इसी के बारे में 1824 जॉन मार्शल ने सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में घोषणा किया था। लेकिन उसी के दो वर्षों के पश्चात 1826 ईस्वी में आप कह सकते हैं कि सर्वप्रथम पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने सिंधु घाटी सभ्यता पर अगर प्रकाश डाला, इसके बारे में चर्चा शुरू किसी ने किया, तो वे थे चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 ईस्वी में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर प्रकाश डाला गया, अर्थात आप कह सकते हो इसके बारे में छानबीन शुरू किया गया, इसके बारे में चर्चा शुरू हुई। लेकिन अगर इसकी कोई किसी ने घोषणा किया था तो 1824 आप कह सकते हो जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहली बार घोषणा किया था। अगर इस पर सर्वप्रथम किसी ने पहली बार प्रकाश डाला था तो वो थे 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा। लेकिन यहीं पर अगर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बार अगर किसी ने सर्वे किया था तो वह सर्वे अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, क्योंकि हमारे जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही हमको प्राप्त होते हैं, चाहे वो प्रागैतिहासिक काल का समय रहा हो, चाहे हमारा आदैतिहासिक काल का समय रहा हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो भी हमको जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही प्राप्त होता है। अब पुरातात्विक स्रोतों का जनक अगर किसी को कहा जाता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो आप कह सकते हो 1853 ईस्वी में पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वे किया था, और उसी के बाद इन्होंने तमाम सारी जानकारियां हमको बताया था। तो 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वे किया था। लेकिन यहां पे पूछा जाता है किसके नेतृत्व में किया था। उसमें हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में 1861 ईस्वी में, आप कह सकते हो 1861 लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में भारत में पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, और इन्होंने 1861 ईस्वी में अगर सर्वे शुरू किया था तो इन्होंने 1853 में शुरू किया था। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इन्होंने सबसे पहली बार पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब किया था, तो वो था 1861 लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तो लॉर्ड कैनिंग कौन थे, हमारे भारत के गवर्नर जनरल, हमारे भारत के गवर्नर जनरल भी थे, और इनको वायस राय के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन बहुत पहले से चल रहा था, लगभग 1600 ईस्वी से माना जाता है, 1600 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व था, हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व था, यहाँ पे शासन कर रहा था। लेकिन 1857 की क्रांति, हमारे भारत की बहुत बड़ी क्रांति, आप कह सकते हो कि सबसे पहली बार अगर अंग्रेज सरकार का कोई विरोध करता है तो 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों के द्वारा ही विरोध किया जाता है, और 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व समाप्त हो जाता है, और भारत में वर्चस्व जो शुरू होता है वो ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटेन की संसद की, क्योंकि उस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये दो जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये काफ़ी प्रचलित थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता था। और इसको कहा किसने था, प्रसिद्ध इतिहासकार पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की अगर जुड़वा राजधानी अगर किसी को कहा था तो वह था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहीं पर एक इतिहासकार आप कह सकते हो गार्डन चिल्ड्रन के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। तो गार्डन चिल्ड्रन के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को पहली बार प्रथम नगरीय क्रांति कहा था, तो वो थे गार्डन चिल्ड्रन। प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा था,
तो प्रथम नगरी क्रांति, क्योंकि नगरों का जो उद्भव आरंभ हुआ, एक प्रकार से नगरों का जो पहली बार अस्तित्व प्राप्त होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही प्राप्त होता है। तो सिंधु घाटी के साथ साथ हमारा जो दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहाँ भी नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ पे जो नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पे जो मकान बनाए जाते थे वो पक्के ईंटों के बनाए जाते थे, और पक्के ईंटों के जो मकान बनाए जाते थे वह जो ईंटें हुआ करते थे वो पूछा जाता है किस अनुपात में हुआ करते थे, तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4:2:1 के अनुपात में यह ईटा हुआ करता था। अगर पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो पक्के मकान बनाए जाते थे उनके ईंटों का अनुपात कितना था, तो 4:2:1 के अनुपात में यहाँ पे जो ईंट का प्रयोग किया जाता था वह ईंटों का अनुपात था। इसी के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है सामाजिक स्थिति। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो हमारी सामाजिक स्थिति थी वो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे माताओं का वर्चस्व हुआ करता था, यहाँ पे जो परिवार हुआ करते थे वो आप कह सकते हो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, और यहाँ पे जो सामाजिक स्थिति थी इसको 4 वर्गों में बांटा गया था। सामाजिक स्थिति हमने भी सबसे पहले बताया था कि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था हुआ करता था, यहाँ पे एक संयुक्त परिवार हुआ करता था, लेकिन जो सामाजिक स्थिति थी उसको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला था आप कह सकते हो पुरोहित वर्ग, दूसरा था व्यापारी वर्ग, तीसरा था किसान वर्ग और चौथा था श्रमिक वर्ग। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सामाजिक वर्ग को 4 वर्गों में बांटा गया था। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ की अर्थव्यवस्था, अर्थात आप कह सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत यहाँ की जो इकोनॉमी सिस्टम थी, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। तो कृषि पर ही डिपेंड हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं हुआ करता था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बिजनेसमैन इंडस्ट्रियल एरिया आज के तरीके से तो था नहीं, वहाँ पे जो इकोनॉमी सिस्टम डिपेंड था वो व्यापार पे ही, सॉरी कृषि पर ही डिपेंड हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी ही हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे भी आप कह सकते हो जिस प्रकार से आज के यहाँ पे लोग रहते हैं, हमारे क्षेत्र के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक रूरल सोसाइटी एक अर्बन सोसाइटी, एक ग्रामीण सभ्यता एक शहरी सभ्यता। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ग्रामीण सभ्यता के अंतर्गत लोग कृषि से जुड़े हुए होते हैं, वो मजदूरी करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, और शहरी सभ्यता के अंतर्गत यहाँ पे लोग पक्के मकान बना करके रहते हैं, यहाँ पे व्यापार करते हैं। तो उसी प्रकार की कल्चर हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भी थे। तो यहाँ पे रूरल सोसाइटी अर्बन सोसाइटी, ग्रामीण सभ्यता शहरी सभ्यता, गांव के लोग कृषि करते थे, कच्चे मकान बना करके रहते थे, मजदूरी करते थे जैसे आज का सिस्टम चल रहा है, और उसी तरीके से वहाँ पे शहरी प्रकार के लोग भी रहा करते थे, आप कह सकते हो व्यापार करते थे, पक्के मकान बनाया करते थे, उनके जो मकान बनते थे उसमें स्नानागार हुआ करते थे, उनके गोडाउन हुआ करते थे, वहाँ पे पशु को पाला जाता था, व्यापार करते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमको पता चलता है। तो यहाँ की हमने बताया तो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी सिस्टम जो डिपेंड थी वो कृषि पर ही आधारित थी। तीसरा जो पॉइंट आ जाता है यहाँ पे नगर नियोजन, नगर नियोजन को यहाँ पे 2 क्षेत्रों में बांटा गया था, एक पूर्वी क्षेत्र एक पश्चिमी क्षेत्र। हमने बताया ही यहाँ का जो क्षेत्र था, हमने सिंधु घाटी सभ्यता को त्रिभुजाकार आकृति में बांटा है, तो यहाँ पे एक पूर्वी क्षेत्र के रूप में आ जाता है और एक पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे जो लोग रहा करते थे, पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत जो यहाँ पे लोग रहा करते थे ये ये बोल सकते हो आवासीय भाग था। यहाँ पे रहने वाले लोग अपने आवास बना करके रहा करते थे, और जब ये आवास बनाया करते थे तो अपने आवास के बाहरी क्षेत्र में बड़े बड़े दीवार खड़ा कर दिया करते थे, ताकि इनके ऊपर कोई बाहरी व्यक्ति आकर के अटैक न कर सके, कोई बाहरी व्यक्ति हमारे क्षेत्र में कोई कब्जा न कर सके, इन सब चीज़ों को लेकर के अपने आप को सुरक्षित करके रहा करते थे। तो पूर्वी क्षेत्र जो माना जाता था वो आवासीय क्षेत्र माना जाता था, और पश्चिमी जो क्षेत्र था अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी क्षेत्र आवासीय क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र आप कह सकते हो दुर्गीकृत क्षेत्र माना जाता था। आप कह सकते हो ऊंचाइयों पर घर बना करके रहते थे, किलों में घर बना करके रहते थे बड़े बड़े ऊंचाइयों के क्षेत्र पे, ताकि ये इनके ऊपर कोई अटैक ना कर सके, ये अपने एक सुरक्षित स्थानों पे घर बना करके रहा करते थे। तो अगर पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नगरीय नियोजन जो था, नगर नियोजन जो था वो कितने क्षेत्रों में बंटा था, तो वो 2 क्षेत्रों में, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट जो आ जाता है अंतिम संस्कार। तो यहाँ पे अंतिम संस्कार को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था दाह संस्कार,
दूसरा जो माना जाता है आप कह सकते हो पूर्ण समाधान, तीसरा था आंशिक समाधान। काफी प्रचलन में है कि कहां पे लोगों को दफनाया जाता था, कहां पे लोगों को जलाया जाता था, किस प्रकार के यहां पे कल्चर थे। तो यहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अगर पूछा जाता है अंतिम संस्कार कितने प्रकार के किया जाता था या किए जाते थे, तो आप कह सकते हो तीन प्रकार के। पहला जो प्रकार था वो था दाह संस्कार, जो हमारी हिंदू संस्कृति के अंतर्गत, हिंदू धर्म के अंतर्गत जैसे क्रियाकलाप किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को जला दिया जाता है, तो वही प्रकार से आप कह सकते हो यहाँ पे जो दाह संस्कार होता था वो इसी पे आधारित था। तो यहाँ पे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को जला दिया जाता था, जलाने के बाद उसकी जो राख बचती थी उसको मिट्टी के बर्तन में रख करके उसको दफना दिया जाता था। तो ये प्रक्रिया थी दाह संस्कार की। दूसरा था पूर्ण समाधान, यहाँ पे जब किसी कई कई क्षेत्रों में प्रचलित था, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को पूर्णतः रूप से जमीन में गाड़ दिया जाता था, जैसे मुस्लिम कल्चर के अंतर्गत होता है, इस्लाम धर्म के अंतर्गत जैसे वहाँ पे शव को दफनाया जाता है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे पूर्ण समाधान होता था। तीसरा था आंशिक समाधान। आंशिक समाधान आप कह सकते हो ये पारसी कल्चर पे डिपेंड था। पारसी धर्म के अंतर्गत पहले क्या होता था, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको किसी काम का नहीं माना जाता, और यहाँ पे पारसी धर्म के अंतर्गत और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कुछ क्षेत्र में जो लोग थे उनको लगता था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर का कोई काम नहीं है, तो जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसको एक खाली स्थान पर ले जाके रख दिया जाता था, और वहाँ पे लोगों को लगता था कि अगर ये मर गया है तो इसके भी कुछ उपयोग हो जाए, तो वहाँ पे जाकर के पशु पक्षी जो भी जानवर हुआ करते थे उसके मानव शरीर को खाया करते थे। जब खाया करते थे तो जो कुछ बच जाता था उसको ले जाकर के दफना दिया जाता था, वह था आंशिक समाधान। तो इस तीन प्रकार के यहाँ पे अंतिम संस्कार किए जाते हैं, जो कुछ कुछ अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलन में था। चौथा आ जाता है आपका, पांचवा आ जाता है आप कह सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ, अलग अलग इतिहासकार अपने मत को प्रकट करते हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं यहाँ पे आर्यों का अटैक हुआ, हमने बताया था वैदिक सभ्यता के अंतर्गत स्टार्टिंग में वैदिक सभ्यता जो हमने बताया इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं, तो आप कह सकते हो तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ, कुछ इतिहासकार कहते हैं आर्यों का अटैक, आर्यों का आक्रमण से ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, कुछ कहते हैं यहाँ पे बाढ़ के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, और कुछ कहते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो ये था आज की क्लास में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने बताया। तो सिंधु घाटी सभ्यता की स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक, सिंधु घाटी का स्टार्टिंग कैसे हुआ, सिंधु घाटी का अंत कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आप लोगों को बताया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।